एकजुट रहे, इसीलिए 4 लाख घरों में, मैं सीमा का इसलिए उल्लेख कर रही हूँ, महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। आप विचार कीजिए कि जिस अमेठी को उन्होंने अपना परिवार कहा, उसी अमेठी में 4 लाख घरों में उन्होंने कभी शौचालय नहीं बनाया। सोचिए 4 लाख परिवारों की बहू बेटियां बहने माताएं गांधी खानदान के राज में खुले में शौच करती थी, अंधेरों का इंतजार करती थी। हम सब एकजुट रहे, बिना बटे हम सब ने एकजुट होकर विकास की राह पर कदम बढ़ाया, इसलिए आज 4 लाख घरों में इन 5 वर्षों में शौचालय बना है। अमेठी इस बात का गवाह है और मंच पर वकील साहब भी खड़े हैं कि जो बात किसान की करते हैं पूरे देश में, उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गौरीगंज विधानसभा में किसान को छल कर उसकी जमीन लूटी। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि मैं स्वयं 10 वर्ष से उनसे अपील कर रही हूं कि किसानों की कम से कम लूटी हुई जमीन तो वापस कर दो, क्योंकि उस फाउंडेशन पर स्वयं राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी विद्यमान। लेकिन किसान के बारे में देश भर में उपदेश देते हैं और गौरीगंज में किसान की जमीन लूट लेते हैं, कब्जा कर। हम समाज में एकजुट रहे और हमने इस समाज के माध्यम से, नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से 4,20,000 किसानों के बैंक के खाते में 6,000 रुपया सालाना पाया। 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार यहाँ बिजली मिली। लोगों को लगता था, ये बार बार कहते थे VIP क्षेत्र है तो ये क्षेत्र जगमगाता होगा, उन्हें क्या पता था कि 1.5 लाख घरों ने पहली बार, 40 से ज्यादा गांवों ने पहली बार बिजली की तार तब देखी 5 साल पहले जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आज के दिन में उत्सव का दिन है, 500 साल बाद प्रभु अपनी जन्मस्थली पर विद्यमान है भव्य मंदिर में और सूर्य महाराज स्वयं उनके ललाट पर तिलक कर रहे हैं। इससे भव्य दृश्य, इससे भव्य दिन समाज के लिए, विश्व भर के सनातनियों के लिए नहीं होता। आपका आगमन हमारे परिवार में एक बहुत ही शुभ संकेत है, प्रभु की इच्छा है। इस संकेत का, प्रभु की इस लीला का मैं स्वागत करती हूँ। ककवा में आके मुझे लंबा भाषण देने की वैसे जरूरत है, यहाँ का ओवरब्रिज ही इस बात का सबसे बड़ा संदेश है कि जिस एक विषय के लिए हम 30 साल का इंतजार किए, राम जी का तो वनवास रहा 14 साल का, आपका तो 30 साल का रहा एक ओवरब्रिज की वजह से। इसलिए मेरा आग्रह है सभी कार्यकर्ता जो आज यहाँ उपस्थित है, सभी राम भक्त जो उपस्थित है, समाज के सभी अग्रणी जो उपस्थित हैं, समाज के लिए मेरा एक आग्रह है। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं, हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखते हैं। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना है, अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे, सनातन विरोधी तो वो है ही। आज मैं स्तब्ध थी कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रामनवमी की शुभकामना देते हुए कि जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, लीला देखो भगवान की कि आज मई की नवमी के शुभ अवसर पर उसी व्यक्ति को नवमी की शुभकामना देने के लिए भगवान ने स्वयं विवश। लेकिन ये भी हमने कभी नहीं सोचा था कि जब भव्य मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, ये जानते हुए कि वो सनातन विरोधी हैं, प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु का हृदय विशाल है,
इसीलिए राम भक्तों ने उन्हें भी आमंत्रित किया। ये दुख की बात है कि जिस पुण्य धरा अमेठी में आज मंदिर में प्रभु के भजन और कीर्तन हो रहे हैं, उसी अमेठी के एक वक्त के प्रतिनिधि का अहंकार इतना था कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। जो भगवान को ठुकरा दे वो इंसान का क्या होगा। लेकिन मेरा समाज से आग्रह है, हम सब की भावनाएं आहत हुई तब भी आज दिनेश जी आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस बात को सार्वजनिक कहा कि हारी तो दीदी भी लेकिन छोड़कर कभी गई नहीं।